कांग्रेस एक राजनीतिक दल है एक पुअरली मैनेज एनजीओ नहीं है मोदी जी ने युवराज सिंह की तरह छह बॉल में छक्के मार दिए जो लोग कभी कांग्रेस के दौरान काले झंडे दिखाते थे वो आज चाचे मामे सब बने बैठे हैं कांग्रेस के मैंने कहा ये 370 का फैसला ठीक है भारत जोड़ो यात्रा <laughs> ये एक बहुत ही महंगा एक पियर स्टंट था श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने का कांग्रेस पंजाब का इतिहास था आप एक बुरा वर्तमान है और भाजपा भविष्य नमस्कार मेरा नाम अनिल शारदा है जस्ट एक्सक्लूसिव के आज के इस एपिसोड में हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम मिलवाने वाले हैं आपको ये कांग्रेस में थे इसके पहले और राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे आज वो भाजपा का धामन थाम कर भाजपा के कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं तो हम आए हैं जानने के लिए कि उस कर्तव्य पथ पर ये कितना चल क्या महसूस कर पा रहे हैं कितने बदलाव आए हैं इनके जीवन में तो चलिए जानते हैं इनसे नमस्कार जी आओ जी, सर्थ कैसे आप? जी, सेकल, जी सर बैठो बैठो। कैसे आप मेरा जरूर फीस दोगे तो जरूर लिख लेंगे <laughs> गलतियां आप करें और फीस जनता भरे इल्जाम क्या है इल्जाम ये है कि जब से आप कर्तव्य पथ पर आए हैं कर्तव्य पथ पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो की दिल्ली वालों को पसंद नहीं है देखिये कर्तव्य पथ पे जो भी योद्धा चल रहा है उसकी तो पूरी तैयारी होती है धूप हो छाँव हो बारिश हो सर्दी हो गर्मी हो बर्फ हो पर विकास की बारिश हमेशा होती रहेगी तो दिल्ली वालों को आज मौसम की गर्मी जरूर लग रही है पर जो हमारी विकास की भाजपा सरकार में बारिश है वो कभी रुकने वाली नहीं है वो तो नहीं करे हैं और आप जहाँ से आते हैं वहाँ से भी विकास की गंगा खोजी जाएगी बिल्कुल किया जाएगा कि थोड़ा पानी वहाँ से भी निकले और थोड़ा यहाँ से भी निकले वो कहते हैं एक हिंदी की कहावत है तेरी आसमा में हस्ती है मेरी जमीन पे बसती है थोड़ा तुम झुक जाओ थोड़ा मैं उठ जाता हूँ यही हमारे मिलने की सूरत बनती है जो देने वाले होते हैं, वो बैठते हैं हाँ। है। बातचीत का तो वहाँ बेहतर है हम लोग गरीब पत्रकार है तो हम लोग के पास बहुत पैसे होते नहीं कि फीस दे पाए मैं भी युवा वकील हूँ मुझे इतने लोग फीस देने वाले हैं भी नहीं तो क्या जाते आइए तो कर्तव्य पथ की तो बात हो गई अब आप ये बताइए कि आप कर्तव्य पथ पे आए क्यों क्या रीजन रहा है ऐसा कारण एक नहीं अनेक हैं। वजह रातों रात नहीं पैदा हुई वजह किसी लालच की वजह से पैदा नहीं हुई वजह को किसी पद या कद में नहीं तर... के तराजू में नहीं तोला जा सकता काफी लोग जानते हैं पर दोहरा दू मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मान इज्जत एक पहचान मिली पर राजनीति में एक जलंधर से जब उठ के आई युवा के बतौर इसलिए कदम रखा कि दो दो लक्ष्य थे एक तो पहले तो एक निजी लक्ष्य हर पॉलिटिशियन का होता है जनता के बीच में जाना अच्छा लगता है कि आपको जनता से मिलना अच्छा लगता है प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन का भी था अपनी यूनिवर्सिटी में बंगाल में जनता के बीच में जाना बहुत अच्छा लगता था लोगों की छोटी छोटी समस्याएं सुनना उनकी उनकी समस्या और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक पुल का बन के काम करना वो बहुत अच्छा लगता था दूसरा आ, पंजाब के लिए एक जज्बा था यार किसी तरह यार पंजाब च काम करना है यार पंजाब को एक यू you नो know, कोई मेहनत करनी है पंजाब के बारह हजार गाँव यार हर गाँव में यार कोई एक व्यक्ति जरूर जानता हो एक एक लक्ष्य ये भी था तो और दूसरा था कि कोई इतिहास में ये सिर्फ पहचान ना रह जाए यार कि आए नौकरी की काम किया पैसे कमाए और चले गए कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भाग्य में लिखा बदलाव करके गए तो पंजाब सेवा कह लो जन सेवा कह लो और अपना जज्बा कह लो लोगों से जुड़ने का इन तीनों के मिश्रण से मैं कांग्रेस में आया आया बहुत मौके मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ सफर करने को मिला तभी तो मैंने कहा आए सफर लगा काम भी किया आ, अच्छे अच्छे नेता मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं। जो अच्छे अच्छे पदों में रहे कांग्रेस में जब चुनाव 2014 से लेके जब तक मैं 2022 तक कांग्रेस अध्यक्ष तक चुनाव हारी तो हमने सिर्फ मेरे और मेरे कई अनेक साथियों ने बारह बारह चौदह चौदह सोलह सोलह घंटे कांग्रेस के ऑफिस में जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं ना तो सुबह तो होता है बहुत रश ग्यारह बारह तक जैसे पंजाबी में कहते हैं लोग होना शुरू हो जाते बित्तर है हो जाते है ठीक तक तो ऐसे लगता कर्फ्यू हो गया यार तो वहाँ साथी अपना क्या कहते हैं कि हम पूरी मजबूती से डट के कई अच्छे अच्छे दिग्गज दौड़ जाते थे कौन थे तब तब प्रवक्ता मेरे साथ प्रियंका प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ रागिनी नायक नायक ऐसे कई अनेक हम सब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के द्वारा हमें मौके मिले कई नए नए चेहरे आए हाँ। एक टैलेंट प्रोग्राम के द्वारा हमें को, लोगों को मौका मिला हाँ। तो जब हम भाग जाए की बात जरूर रखनी है एक एक जो आपकी बेसिक आइडियोलॉजी है उस पर बात रखनी है अपने पंजाब की बात रखनी है राजनीति में हर कदम हर फैसला हर निर्णय वो हार जीत के तराजू में जरूर तोलना चाहिए पहला दूसरा वास्तविकता को ध्यान में रख के तोलना चाहिए तीसरा कि जो आप बात कहना चाहते हैं क्या वो देश का जो माहौल है जो मूड है उसके अनुसार भी हो रही है कि नहीं हो रही है ये बहुत एक जरूरी और एक अहम बात है जब हम आए तो हमारे काबिलियत के अनुसार हमें मौके दिए गए राजनीति में एक टाइमिंग का भी होता है और भाग्य का भी होता है पर धीरे धीरे आपकी काबिलियत पे नहीं ये इस पे ज्यादा ध्यान देना लग पड़ा आप किस PA, किस ओएसडी दरबारी जिन्हें कहते हैं उनके करीब है आप किसकी ज्यादा जी हजूरी करते हैं। और ये कब से बदलाव हुआ क्योंकि जब आप शुरू में आए थे तो बदलाव ये दो हजार उन्नीस के चुनाव हारने के बाद हुआ पहला बदलाव मैं आपको बता देता दूसरा हम राजनीति में मैं एक एक्सट्रीम जो कहते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी से सहमति नहीं रखता मैं खुल के कैमरे पे कहता हूं मैं नहीं रखता तो एक देखा कि जो माननीय श्री राहुल गांधी है जो उनका भी बदलाव है एक तो वो भूल गए कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है एक पुअरली मैनेज एनजीओ नहीं है एनजीओ सेवा करता है राजनीतिक दल सेवा भी करता है और सोच समझ के वो निर्णय भी लेता है जिससे वोट पड़े कांग्रेस ना तो राजनीतिक दल राहुल जी समझ रहे और एनजीओ भी अच्छा नहीं बहुत ही बुरा तरह बुरा मिसमैनेज एनजीओ जिनको वो जो लोग चला रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसे पंजाबी में कहते हैं पट्टा बैठाने का है पूरा ही समाप्ति मतलब उनका लक्ष्य ये नहीं था कि कांग्रेस किसी मंजिल पे पहुंच जाए का किसी तरह ताला जोर से लगे और ये ताला खुल ना पाए आज तक वही हो रहा है ऐसे लोगों ने कांग्रेस पे भारी और कब्जा करना शुरू कर दिया जो एक एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी अवाम सोच वाले जिनका आज भारत में अस्तित्व नहीं बचा उन पार्टी को कहते हैं देर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट उस विचारधारा लोगों के कांग्रेस नहीं, नहीं मैं देखिए राजनीति में और मैं वकील के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता नहीं, नहीं नहीं वो मैं देखिए वो आपको मैं बातों बातों में बता रूंगा समझदार का इशारा है जो व्यक्ति जो लोग कभी कांग्रेस के दौरान काले झंडे दिखाते थे वो आज चाचे मामे सब बने बैठे हैं कांग्रेस के जो लोगों की चलते खुद चार चार लाख वोटों से हारे कई यूनिवर्सिटियों में नारे लगाए उन्होंने ठीक है लगाए जो लोगों के चार चार तीन तीन दो दो लाख जितने भी लाखों वोटों से है वो आपके कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन गए जो लोग जो देश हित में भी बात हुई थी उसका भी विरोध करते थे क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री आपकी विचारधारा का नहीं है उसका भी जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होती चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो चाहे इन जैसे वो मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ तीन पहला मतलब मैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और और एक दोस्त पहले व्यक्ति कांग्रेस प्रवक्ता मैंने कहा ये 370 का फैसला ठीक है दूसरा जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी सरोजमीन जमीन भाषण देते हैं ये हमारी राजनीति नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री किसी फॉरेन सॉइल पे बोल रहा है तो हम उसकी तूतू मैं मैं हम बस हमने उसके किसी तरह उस पर कीचड़ उछालना है यूएन पे माननीय मोदी जी बोल रहे थे मेरा ट्वीट है मैं अपने कोई ट्वीट डिलीट नहीं करता अभी पढ़ के आए हुए मैंने बोला मोदी जी ने युवराज सिंह की तरह छह बॉल में छे छक्के मार दिए तीसरा हर धर्म की इज्जत मान करना चाहिए हमारे कई हीरो थे कांग्रेस पार्टी में जो आए दिन सिर्फ एक धर्म को गाली निकालनी दूसरे को बुरा बोलना इसको अच्छा बोलना सिर्फ ताकि ये विवाद कहते हैं जैसे उन्होंने सुपारी ली हुई थी चापलूसों का हावी होना एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी का हावी होना देश हित में ना सोच के हर अपने निजी हितों में जो आपके दरबारी आपको सलाह उनके हित की क्या बात देखिए एक युवा के सामने जब आपके दो उदाहरण होते हैं एक ऐसा बैट्समैन या ऐसा बॉलर ऐसा बैट्समैन जो हर मैच में डक पे आउट हो रहा है और ऐसा बॉलर जो हर बॉल पे छक्का मरवा रहा है पर आप उसको फिर भी पदों से नवाज रहे हैं सौ उसने दस स्टेट हरवा दिए पर उसका पद बरकरार है तो ये सीधा साधा संदेश था कि हम अगर आप हमारे साथ हैं आप हमारी जी हजूरी करते तो मुझे वो मंजूर नहीं था और वो हिंदी में कहते हैं ना कि सर झुकाओ पर इतना भी ना झुकाओ कि आपके सर से आपकी दस्तार ही गिर जाए तो ये कुछ कारण रहे थे और मैं बता देता हूँ आपको रिकॉर्ड के लिए जयवीर शेरगिल ने किसी पद के लिए नहीं छोड़ा छोड़ना होता तो 2019 में मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था हर युवा का एक ख्वाब होता है सपना होता है पूरी ठोक के मांगी पंजाब में ठोक के मांगी और अखबार में अनंतपुर साहब से मेरे अच्छे बड़े भाई मित्र जो कह लो मनीष तिवारी जी को मिली फिर मैंने उनके चुनाव में जाके प्रचार भी किया उसकी वीडियो भी है आज टिकट मांगी ठोक के मांगी नहीं मिली तब भी मैं पार्टी बताऊ मनीष तिवारी भी तो नाराज ही चल रहा है देखिए मैं किसी का वक्ता प्रवक्ता नहीं हूँ और वकील कभी किसी और की बात बिना फीस लिए करता भी नहीं है तो ये भी जरूरी तो मैंने टिकट मांगी नहीं मिली मैंने पार्टी नहीं छोड़ी मैंने पार्टी कब छोड़ी 24 अगस्त 2022 जब ना छ महीने पहले कुछ हो सकता था ना छ महीने बाद कुछ हो सकता था और तीन महीने मैंने कोई राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया बहुत कुछ अच्छा होने वाला था उस दौरान। कांग्रेस की ओर से मतलब भारत भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा। जोड़ो यात्रा। <laughs> <laughs> पहले कुछ कुछ हो जाए, कुछ हाँ, हाँ, हाँ. मेरा तो फेवरेट है स्ट्रीट फूड। मैं जब अमृतसर हूँ लेकिन खाई भी दबके है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर पंजाबियों का इंटरव्यू अब खाना ही नहीं ज्यादा हुआ तो फिर नकली पंजाबी लगे और मेरे को पंजाब में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी तो बात मैंने आपको कहा जो बहुत भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले देखो उसका नाम भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा थी दूसरी बात ये एक बहुत ही महंगा एक पीआर स्टंट था श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने का श्री राहुल गांधी जी ने मन बना दिया था मैंने प्रेसिडेंट तो बनना नहीं पार्टी का क्लियर थे वो कि नहीं बनने बि, बिल्कुल क्लियर थे आ, बिल्कुल क्लियर थे कि मैंने नहीं बनना क्योंकि उनका एक और है उनको मतलब कम से कम आप ये नहीं कहोगे कि राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा मतलब करवाने का मेन मकसद था उनकी छवि को सुधारना ये आप नहीं कहोगे नहीं नहीं, नहीं। उनको व्यस्त रखना मैं ये कह रहा हूँ समझिए उनका टाइम पास भी तो करना है कैसे करेंगे हाँ। अब प्रेसिडेंट रह सकते दूसरा मान श्री राहुल जी को अच्छा भी लगता है कि बिना जवाबदेही बिना जिम्मेदारी बिना पद के बाकी सारा जो आसपास कारवां चलता रहे पूरे जी हजूरी भी होती रहे आ, सारी नियुक्तियां उनकी मन, मन, मर्जी से होती रहे पर ये ना कोई कहे कि ये अध्यक्ष हैं तो इनके चलते हार गए तो ये एक है तो उनको अब सोचा कि अब इन्होंने प्रेसिडेंट तो बनना उनको व्यस्त कैसे रखा जाए छुट्टियों पे जा नहीं रहे थे तीन चार महीने का काम था ये सारी चीजें आप वहां पे रहते हुए कभी नहीं भूल पाए डर था डर मुझे कोई नहीं था पंजाबी के मेरी केड़ा पेंशन बंद कर देनी थी ठीक <laughs> है मेरी केड़ा तनखा लगी हुई थी मैं पहले जब छोड़ा था कांग्रेस में दो तरह के लोग थे एक जिनके लिए घर कांग्रेस पार्टी दूसरा जिनका घर कांग्रेस से चलता है आपको खराब क्या लगता है ठीक है राहुल गांधी को व्यस्त रखने की बात थी लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब बड़ी यात्रा आपको देखने को मिली आप जब पैदा हुए उसके बाद में आया हम लोगों के मतलब जीवन काल में यह पहली यात्रा थी जिसे हम लोगों ने देखा इतनी भव्य यात्रा राजनीति में मैं तारीफ नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं, राजनीति <laughs> राजनीति में और निजी जीवन में आपके हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस कॉज और इफेक्ट देखा जाता है चलने को तो आ, अच्छा है, चले पैंतीस सौ किलोमीटर से अधिक चले वो उसका निष्कर्ष क्या था उसका नतीजा क्या था एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी और देश के खिलाफ विचारधारा वाला जीता जागता उदाहरण था वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा जिसे मिली आप केरला पहुंचे आपने पहला कार्य वहां जाके क्या किया जॉर्ज पुनिया नामक एक व्यक्ति से पपिया जपिया डाली वो एक पादरी है पास्टर है उनका क्या उनका क्लेम टू फेम क्या है उन्होंने ये कहा था मैं जूते इसलिए नहीं डालता क्योंकि भारत की धरती अपवित्र है और हिंदू देवी देवता होते ही नहीं ये कोई भगवान ही नहीं आपने सबसे पहले जाके उनको जपिया पपिया डाली आप थोड़ा आगे जाए जॉर्ज सोरस का आपने नाम सुना जिसने कहा कि मैं भारत की जिसका एक रिकॉर्ड है कई देशों की ताकतों को अस्थिर करने का उसके उप को वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपने साथ में बिठा लिया बिठाया नहीं हाथ पकड़ के चले आप चलते चलते महाराष्ट्र पहुंचे आज आज कांग्रेस कमजोर है आपने जाते ही सावरकर जी के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के आदर्श है उनका आपत्तिजनक बयान दिए कहीं ना कहीं वो लोग अब नहीं मान रहे हैं ना सावरकर को कौन नहीं, सावरकर वो तो मान रहे हैं तभी तो मीटिंग जो मेरे को टीवी से आई तो उन्होंने कहा कि सावरकर का हम अब मान नहीं करेंगे और राहुल जी रुक जाएं और राहुल जी अब अपना अपने जो कहते हैं मैं सिर्फ आदर्शों को मानता हूं आ, मेरे लिए राजनीति में फायदा नुकसान नहीं है तो राजनीति का फायदा नुकसान देखते हुए तो आप क्या उन्होंने कहा ठीक है मैं सावरकर जी के बारे में बोलूंगा भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई आप भारत बदनाम यात्रा पे निकल गए विलायत जहां आपने कहा लोकतंत्र खतरे में आप बताइए आज देश में लोकतंत्र खत्म हो गया मैं भी वकालत का एक स्टूडेंट हूं और आप भी तजुर्बेकार पत्रकार हैं कौन से तानाशाही मुल्क में एक विपक्षी नेता को चार हजार किलोमीटर यात्रा करने की परमिशन दी जाती है कौन से देव विश्व के तानाशाही में एक विपक्षी नेता को इजाजत दी जाती है कि यूके में बैठ के कहे अमेरिका यूके हिंदुस्तान में आओ आप चुप कैसे बैठ गए हो लोकतंत्र खत्म हो गया पर लोकतंत्र की मलाई भी खानी है और लोकतंत्र को बदनाम भी करना है ये तो चित भी मेरी और पत भी मेरा तो भारत जोड़ो यात्रा एक से ये समोसा खाइए और नहीं समोसा बस एक अधिक हो गया हम लोग थोड़ा अगले सवाल पे पहुंच जी मैं खा लू ना उस मंच पे खड़े होकर आप कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा कहने वाले पूरे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को खा गए उनके कर्तव्य पथ पे आप आ गए और अब आप उस पर चल रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इकोनॉमी खाई गई है ख़त्म कर दी गई है या फिर उसकी जो स्पीड है बढ़ने की ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया है खरगे साहब ने दस दिसंबर दो को बोला कि गाँव गाँव में ऐसे जाइए और गांव-गांव में ऐसे लोगों को अपील कीजिए और गांव-गांव में ऐसे लोगों से जुड़िए जैसे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी अपने आप को लोगों से जोड़ते हैं ये जोड़। खरगे साहब का बयान है 10 दिसंबर 2022 को आ... क्या सार्वजनिक बयान था हाँ हाँ में छपा हुआ है मैं तो ऐसे मैं मैं नहीं हाँ, मैं नहीं पढ़ता आपको लिंक भेज देता हूँ या उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद कर्नाटक की सरोजमीन पे ये बयान दिया था अच्छा मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था मैंने बिल्कुल आलोचना की चाहे वो तीन का, जो कि, कि, किसानों के कानून थे उनकी भी की मैं एक और अपने खिलाफ अपने दलील दे देता हूँ पर जब आप और तभी मैंने अपना रास्ता भी बदला कि क्या मेरा देखने का नजरिया क्या मैं ग्लास सिर्फ खाली देख रहा हूं आधा भरा आधा खाली देख रहा हूँ कि भरे ग्लास को भी खाली कह रहा हूं अब जब मेरा एक मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं जमीन पे हमने उसको भापना शुरू किया क्या बात है ऐसी कि हम दिन रात बोलते रहते हैं अर्थव्यवस्था हाय हाय नौकरी हाय हाय पर चाहे वो चुनाव पे चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत रही है ये क्या कारण है एक अच्छा बॉक्सर वो होता है जो अपने विरोधी की ताकत और उसकी चाल को भी अच्छी तरह समझता है विपक्ष आरोप लगाता है कि वो जो धर्म का नशा है वो चखा उस पे भी आऊंगा चुनाव जीते जा रहे हैं। जमीन पे उतरे हम अब जैसे मैंने बहुत प्रचार किया कैंपेन पे किया हम रैली पे जाते थे पर मंच से उतरते थे तो किसान कहता था नहीं हमारा पैसा आ गया है ऐसा उदाहरण हिमाचल में हुआ मैं वहां पे उतरा चुनाव करने प्रचार करने और मुझे किसी के कान में कहा कि पाजी किसानों की बात ना करना क्योंकि खाते में पैसे आ गए है तो आपने जाके देखा कि अगर 11 करोड़ शौचालय बन रहे हैं 48 लाख करोड़ जनधन खाते खुल रहे हैं महामारी में 220 करोड़ डोजेस लग गई हैं, दिल्ली से नकोदर एक पचपन हजार करोड़ का एक्सप्रेसवे बन रहा है जो तीन घंटे में पहुंच जाएगा तो ये काम हो रहे हैं जनता जनार्दन को कोई चूना नहीं लगा सकता वो जो काम देखती है उस पर वोट करती है बॉर्डर से निकलता है कि चाइना भारत की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं मोदी जी कहते हैं देखो वो है कि ये तो आपका निर्णय है आपने विश्वास किस पे करना है आज हिंदुस्तान की आर्मी चीफ बयान दे रहा है चलिए आप छोड़िए भाजपा पे विश्वास नहीं आपको नहीं है विश्वास मैं मान सकता हूँ कांग्रेस को नहीं है विश्वास आर्मी चीफ बयान दे रहा है एक जिम्मेदारी से कि हिंदुस्तान का एक इंच भी जमीन चाइना के पास नहीं गई अब राहुल जी या किसी भी कांग्रेस वाले ने किस चाचे मामे कोई विदेश में बैठ के आपको अपने गूगल से व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहा है उन पर विश्वास करना है तो वो उनकी मर्जी है दूसरा दो में कांग्रेस की सरकार थी एक पत्र दो तीन पत्रकारों ने लिख दिया था कि चाइना ने हिंदुस्तान में इनकर्जन कर दी है हेडलाइन क्या थी जो चीन पे रिपोर्टिंग करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और तीन रिपोर्टर्स पे एफआईआर होगी और आज 2014 से 2022 हो गई है 2020 में चीन ने वो इनकर्जन किया और आर्मी चीफ रोज बोलता है कि एक इंच सरो जमीन नहीं गई पर आप फिर भी नहीं मानते तभी आपके ये हाल है फिर सत्यपाल मलिक को फिर कैसे देखें क्योंकि जब आप ये कहते हैं सत्यपाल मलिक साहब उस दौरान राज्यपाल थे दो में चौदह फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन याद रहता है हमेशा तो ये एक घटना घटी हमारे सेना के जवानों के साथ तो को दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार की गलती थी इसको कैसे डिफेंड करेगी भाजपा सत्यपाल जी की बयान से पहले एक आपका धर्म वाली बात मैं बात जरूर बोलना चाहूंगा हम लोग वहां पे आएंगे इसको समेटते हुए आगे बढ़ चलिए सत्यपाल जी की बात है बुजुर्ग है हाथ जोड़ के विनम्रता से साढ़े वे तजुर्बा भी ज्यादा है कब हुई थी हमला दो में आज क्या साल है दो हजार तेईस तीन चार साल से क्यों नहीं बात कर रहे अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी थे तो चार वर्षों से आपने क्यों नहीं बयान दिया पहला दूसरा ये तो बहुत कभी एक अराजकता का एक माहौल कल को आप कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट पे नहीं विश्वास करता मैं हिंदुस्तान की सेना पे नहीं विश्वास कर सकता मैं सब पे विश्वास अविश्वास है पर पाकिस्तान जो कर रहा है उस पर विश्वास है तो अब आपको सत्यपाल मलिक जी पे विश्वास है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की सेना पे विश्वास है कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री पे विश्वास है निर्णय आपको करना है और मुझे लगता है मतदाता वो निर्णय करता है कर्नाटक कांग्रेस के जीतने के क्या कारण आपको नजर आते हैं देखिए राजनीति में कैंडिडेट हैं कई कई राज्य देश में जिनमें हमेशा साइक्लिक सरकारें आती है जब पांच साल एक पार्टी तो पांच साल दूसरी पार्टी हुँ. वो रिपीट मोड जो है वो नहीं होता जैसे हिमाचल एक है ऐसा राज्य लेकिन चालीस परसेंट की सरकार आपके नाम पे ब्लेम किया गया अभी मैं सचिन पायलट का इंटरव्यू कर रहा था राजस्थान चालीस परसेंट की बात नहीं नहीं इंटरव्यू देखा चालीस परसेंट का आरोप कौन लगा रहा है वो दो ऐसे व्यक्ति <laughs> मुख्यमंत्री पे पचास केसेस हैं उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के जो बने हैं उन पे उन्नीस केसेस हैं जिसमें से भ्रष्टाचार के भी केसेस हैं कुल मिला दोनों में मिनिस्ट्रियों तो क्या बांटनी है सत्तर भ्रष्टाचार के केस खेल रहे हैं खो खो का खेल चल रहा है वो लोग कह रहे हैं चालीस परसेंट सरकार वकालत में कहते हैं कि व्हाट इज योर लोकल स्टैंड आय आपके पैरों में कितनी जान है आरोप लगाने की चलिए ठीक है मैं यहाँ पे मेरी नजर ऊपर गई तो बाइडन साहब को मैंने देखा आपके साथ मतलब आपको उनके साथ देखा मैंने <laughs> ये मेरा मुझे सौभाग्य मिला एक विश्व की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस उनमें से कई देशों के प्रधानमंत्री कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस में रहते हुए प्रेसिडेंट कांग्रेस में आपको कुछ तो मिला है पार्टी ने, पानी का... मुझे पार्टी ने नहीं भेजा था <laughs> सिर्फ मैं एक अकेला भारतीय था उस साल मुझे न्योता मिला था तो वहां बाइडन जी से मिला इनसे चाय का कप भी कॉफी चर्चा हुई भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में हुई कई ऐसे नेताओं से आपको दिखाऊंगा वहां मिलने का मौका मिला चर्चा हुई दिखा दो दो चार और फोटो आप आइए आइए इन तस्वीरों की कहानी क्या है ये बताए आप देखिए ये जो कुछ चंद तस्वीरें हैं हाँ। इस छोटे से पर्यादे का जो छोटा सा सफर है राजनीति का उसको बयान करती है और अच्छी जो मूवमेंट जो मौका कुछ मिला राजनीति से नहीं जो लोग राजनीति से नहीं भी जुड़े हुए थे उनसे मिलने का मौका मिला ये सबसे युवा उस टाइम डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कतार के मोहम्मद ये पहली बार जब विदेश जाने का एक ऑफ मतलब के, इसमें मोहतरमा ये ये मेरी वाइफ है अच्छा ये मेरी वाइफ है ये एक यंग नेताओं का फोरम होता है एशियन फोरम ग्लोबल गवर्नेंस यंग नेताओं का ये यंग नेताओं को अवार्ड हैं अच्छा। तो क्या आप अभी फुल टाइम राजनीति ही कर रहे हैं या वकालत का भी काम चल रहा है नहीं नहीं रोजी रोटी या जैसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर आ, वो तो वकालत से चलता है तो वकालत भी करता हूँ क्योंकि जो कई जिम्मेदारियां भी हैं जज्बा मेरा राजनीति है राजनीति मेरा पॉलिटिक्स है रोजी रोटी और कई दिलचस्प केसेस तुम बंगाली बोलते पर हमें जानी बांग्ला मोटा माटी अच्छा जानी हमें एक तो खूब बंगाली बोलते हैं कोर बात मुझे बताइए मैं जब आपके घर पे आ रहा था काफी सारे सिक्योरिटी वाले मैंने देखे हैं <laughs> तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मतलब आप क्यों लेके चल रहे हो नहीं देखिए कि के क्या कहते हैं कि दीस आर द पेरिल्स ऑफ द जॉब एक कीमत जो ये पार्टी से मिल रही है नहीं कोई सल... आ, कीमत जो पड़ती है कि फोर्सेस की मेरे पास पंजाब पुलिस के लोग भी थे कर्मचारी थे आ, जब आप टीवी पे बोलते हैं अब तो जिनके पंजाब पुलिस का लगाम है उनको हमें नहीं पसंद तो इसलिए नहीं प्रवक्ताओं को चाहे जिस मर्जी पार्टी के हो कई प्रवक्ताओं को बहुत थ्रेट्स आती है ईमेल्स आती हैं हर कोई आप हर एक को खुश नहीं कर सकते आ, मुझे दो हजार में मेरे मेरे को थ्रेट आई कि आपको मरवा दिया जाएगा इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल इट्स अ नेसेसिटी कंसिडरिंग के आप किस लाइन में हैं किस प्रोफेशन में हैं तो बस ठीक ठीक ओके बढ़िया ऊपर चलें हाँ चलिए चलिए ऊपर का सेगमेंट बाकी है हाँ हाँ चलिए चलिए आइए <laughs> आइए और यहाँ पे आप खिलाने पूजा पेट पूजा होगी क्या क्या है उस रोटी के लिए जिसके लिए इंसान दिन रात शिद्दत और मेहनत करता है उस उस काम के लिए आ गए हैं खाने में ये शक्करगंदी हाँ। ये दाल मुरादाबादी हाँ। ये गाजर मटर हाँ। चावल और अमरंतन के आटे के पराठे भाजपा तो पर खिला रहे हैं जरूर ये हमारा है। शुक्र है कि आज हाँ। इंटरव्यू हमारा पंजाब में नहीं हो रहा ये तो आपको इसके साथ लस्सी हाँ वो बहुत ज्यादा हो जाता है घर का मक्खन और पर कभी व्हाइट मक्खन पंजाब में भाजपा का पेट खाली है विधानसभा में भी सरकार नहीं है और लोकसभा में मात्र दो सीटें चार थी ना पहले जी ये समझना चाह रहा हूँ मैं कि आपके जरिए और कांग्रेस के करीब चार पांच बड़े चेहरे भी ज्वाइन कर चुके हैं भाजपा को तो 2024 के इलेक्शन में क्या आप लोगों के सहारे भाजपा वहाँ के तमाम सीटों को साधने की कोशिश कर रही है <laughs> क्योंकि भाजपा का भी उतना मजबूत वहां पर रही नहीं पेट भाजपा का खाली जरूर है पर मैं आपको कह देता में 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 और 27 में, पंजाब में हवा सिर्फ भाजपा ही की चलेगी भाजपा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जाखड़ या जयवीर शेरगिल या मनप्रीत बादल या जिन जिन के नाम ले रहे हैं कोई हम लोगों की वजह से भाजपा की हवा नहीं चल रही पर मैं एक बात बतौर पंजाबी और मैंने इसलिए भी भाजपा ज्वाइन की कहना चाहता हूँ मोदी जी ने कभी पंजाब पंजाबी और पंजाबियत को वोट के तराजू में नहीं तोला। नहीं।, नहीं। उसका मैं दो तीन आपको नहीं नहीं। हरमंदिर साहब है उनपे जो जो टैक्स लगता है सालाना साढ़े तीन सौ करोड़ टैक्स लगाने का जीएसटी इनपुट उसको माफ करने की बात हो मैं जलंधर बारहवीं में तक पढ़ाऊं तक हमें कभी इतना पढ़ाया ही नहीं गया इतिहास में पर मोदी जी की सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने की बात की हो और ये सब काम हुए बिना चुनाव को नज, मद्देनजर देखते हुए पर अब जो 2024 का आपको जो ट्रेलर देखने को मिलेगा दो में पंजाब में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा मैं ये दावे से कह देता कांग्रेस पंजाब का इतिहास था आप एक बुरा वर्तमान है और भाजपा भविष्य बढ़िया भाजपा की पांच अच्छी चीजें गिनाइए और पांच बुरी भी बुरी कोई है ही नहीं तो गिनाऊं क्यों क्या बात है बेरोजगारी है नहीं मैं तथ्य अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी सी की रिपोर्ट आई थी आपने देखा होगा अप्रैल में सात दशमलव दो प्रतिशत का है जो कि काफी ज्यादा है तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो गलत है मेरे हिसाब से दो तीन चीजें और जोड़ देता हूँ अग्निवीर स्कीम है आप पेशे से वकील हैं मैं भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं के जैसा मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर जयवीर शेगिल से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो भी वैसे ही जवाब दे जैसा कि तमाम लोग दे हैं पहले तो कमियों से जो आपकी नजरिए में कमियां हैं देखिए हर सरकार के हर काम से तभी चुनाव होते हैं जनता वोट डालती है ना खुश या खुशी के मापदंड को देखते पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था बहुत दौर से गुजरी जितना जनता को धूप से बचाने की यत्न किया गया कोशिश पूरी हुई यूपीए की चिदम्बरम जी का खुद ऑन एयर इंटरव्यू है डबल डिजिट इन्फ्लेशन जनता ने यूपीए सरकार में देखने को मिली भाजपा में नहीं देखने को मिली ये आंकड़े और हैं। आप की बात करो, ये भी एक आंकड़ा है छियालीस स्टार्टअप थे सन 2016 में आज चौरासी हजार स्टार्टअप है और जिसमें से अनेक यूनिकॉर्न भी हैं इस देश में अब आपने अग्निवीर स्कीम की बात की कहीं युवा महिलाएं बच्चे जो कहीं नाखुशियां रही होंगी अग्निवीर स्कीम को कई बार आप विरोध करते हैं चिदम्बरम साहब ने जब नोटबंदी हुई 2016 में क्या कहा ये यूपीआई यू स्कीम गांव में कैसे चलेगी गांव में इंटरनेट कैसे आएगा गांव में पेटीएम कैसे आएगा एक किरायाने वाला कैसे करेगा ये हो ही नहीं सकता आज वो जनता वही जो लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता वो कह रहे हैं ये कैसे हो गया वन ट्रिलियन रुपये की ट्रांजेक्शन यूपीआई की हुई है पूरे विश्व में एक बार आज पान वाले से लेके ले मर्सडी वाला तक अपना कई तराजू में, तो नुकसान, नुकसान, में, में चल रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा में समझौता ना आता हुआ था होगा ना होगा चलिए ये जितने भी पॉलिटिकल सवाल से थोड़ा सा आउट होते हैं और हवाई जहाज के बारे में बात हैं पायलट है आप है ना जी लाइसेंस है आपके पास जी कब लेके चल रहे हम उड़ाने के लिए? 2024 में जब भाजपा की सरकार दोबारा उड़ान भरेगी मैं आपको हवाई जहाज में दोबारा उड़ान भरा उड़ान भरने ले, <laughs> <उडाने मतले laughs> <के> ले <जा। laughs> टेक ऑफ हाँ। मैं का था जब मैंने पहली बार हवाई जहाज उड़ाना शुरू किया अच्छा और पहली बार अकेले सोलो उसको कहते हैं फ्लाइट पटियाला में तो इतना जल्दी लाइसेंस मतलब नहीं, नहीं, नहीं। पहले पायलट में होता है आप स्टूडेंट पायलट होते हैं और आपको पहली सोलो फ्लाइट पे छोड़ा जाता है आप घंटे जब उड़ा लेते हैं कि आप अकेले जहाज संभाल सकता है कि नहीं हाँ। तो पटियाला में मैं वो पहली सोलो फ्लाइट की अच्छा फिर थोड़ा गैप आ गया लॉ स्कूल में फिर अमरीका से लाइसेंस कर लिया तो अभी आपका लाइसेंस अमेरिका का है जब कभी मौका मिलता है कभी वहां जाता हूँ करने तो वहां जरूर जाता आखिर पिछले वर्ष भी गया वहां उड़ाने को मिला अच्छा लगता है एक स्ट्रेस बस्टर है छोटे से जहाज तो वो आपके परिवार है? में कौन कौन है मैम मेरी छोटी बच्ची है सात साल की अच्छा दिल्ली में पढ़ती है वाइफ है मेरा भाई है फादर मदर हैं मैंने तो सुना है आपकी शादी जो है लव मैरिज है यूपी के हैं आप तो जी 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 यूपी लखनऊ कहानी बताइए थोड़ा सा अभी लखनऊ में अगर आपने जाके अपने रिश्ते कायम किए हैं ऐसी बात है कि नहीं का है मैं मैं स्टूडेंट उनको बंगाल में मिला कलकत्ता में जहाँ मैं पढ़ा अच्छा वो भी लॉ करने गई वो भी लॉ करने गई से वहां से कहानी शुरू हो गई बस उसके बाद ही फंस गए हम मतलब शादी हो गई <laughs> परिवार को कोई समस्या नहीं नहीं मतलब आपके नहीं। परिवार में या उनके परिवार में कोई मामा ठाकुर नहीं था कोई नहीं था और होता भी पंजाबियों के सामने कौन टिकता है कौन से मामा कौन से ठाकुर कहने पंजाबिया टा लेना सी फिर <laughs> नाराज हो जाएंगे अगर ये <laughs> नहीं नहीं पर वो भी बहुत अच्छे लोग हैं मेरे पिताजी ने सिर्फ दो तीन बातें की थी कि जीवन में दो जो मर्जी करना बस कभी हमारी आंखें झुकने ना देना कभी तुम्हारी वजह से हमें किसी पुलिस स्टेशन या थाने में बुलाया जाए वहां ना होने देना कभी किसी नशे में पढ़ के तुम शर्मिंदा खुद मत हो जाना मेरी पत्नी खुद भी लॉयर हैं खुद एजेड भी में पढ़ती हैं काम किया एक लॉ फर्म में अब अपना बच्चों का एक न्यूज पेपर चला चलाती चुला, हैं पंजाबी के अंदर असि अपनी जड़ा ना भूल जाइए जब हम पैर पे जमीन रखने की बात करते वो ऑलवेज बी ग्राउंडेड बी कनेक्टेड आप कहीं भी किसी भी मौसम में कैसे भी सफर कर सकें कैसे भी खाना खा सकें हर एक से बिना किसी भेदभाव के बात कर सकें हर एक को समझ सकें तो वो जमीन से जुड़ने वाली बात होती है तभी मैं हफ्ते में एक दिन आ, जो हो जाए मैं अधिकतर पंजाब होता हूँ जलंधर होता मैं उठे भी अभी पूरी डट के रोटी खाई दी है अपने बंदे नाल अपने माहौल च बह के खाई दी है पहले प्लान तो वहीं का था जी 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 हम लोग आ नहीं पाए थे हुँ, हुँ. बहुत खेद है उस चीज के लिए हुँ. नहीं तो पंजाब के गाँव में जब आप जाते हैं और वहाँ के खेतों में बने फार्म हाउस वगैरह में ਮੈਨੇ ਉਹ ਆ ਗੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋ ਮੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਊਬਲ ਹਾਂ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣ ਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਫਸਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈਵਰ ਸਾਹਿਬ बातचीत करने के लिए हमारे साथ समय देने के लिए इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इस कैमरे में देखिए आप और बताइए कि कैसा लगा हमारा इंटरव्यू देखो जी सारे पंजाबियों और सब लखनऊ वालों और पूरे देश में और जो साढ़े सारे पंजाबी पूरी दुनिया वसते हँसते वसते हैं आप ये इनका चैनल जिस जरूर देखें रोज हम काफ़ी हैवी वेट न्यूज़ देखते हैं काफ़ी खबरें देखते हैं दिल दहला देने वाली पर राजनीतिक जीवन में और निजी जीवन में हंसना भी ज़रूरी है खुल के बेबाकी से बात रखना भी ज़रूरी है बिना तू तू मैम के बिना किसी पे कीचड़ उछाल के बात रखने का जो मजा आता है वो इस इंटरव्यू में आया है इसमें हंसी भी हुई इसमें गंभीरता से भी बात हुई पर ना तो तू तड़ाक हुई थोड़ा मज़ा भी हुआ थोड़ा मजाक भी हुआ सब्सक्राइब करो अह डबल दब के इंटरव्यू नु लाइक करियो बार-बार दबियो लाइक करियो शेयर करियो एंड इट्स इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड बेस्ट ऑफ लक्स और आपके जितने आप इंटरव्यू करेंगे जिस भी राजनीतिक दल पार्टी लोगों का करेंगे उसके लिए आपको बहुत-बहुत सी शुभकामनाएं बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत-बहुत थैंक यू